हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम बनाने वाले एक बहुत ही अच्छा सा डेजर्ट जो कि 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा, जो कि देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ये बच्चों को भी पसंद आने वाला है और बड़ों को भी पसंद आने वाला है, और जब आप इसको बना के रखेंगे तो सभी इसको मांग मांग कर आपसे जरूर खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिए व्हाइट वाले रसगुल्ले। अगर आपके पास ये हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो इसके बिना भी ये डेजर्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये रखे हुए थे, मैंने सोचा मैं इनका भी यूज कर लेती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रिज में से निकाल लिए हैं। यहाँ पे ये मेरे पास 5 रसगुल्ले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे हमें इनका क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस में, और जो ये रसगुल्ले इनको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर इस तरीके से चाशनी जो होती है उसमें घोल लिया है, और इस तरीके से इसमें डाल दूंगी। करीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसको इसी तरीके से कढ़ाई में छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, ताकि इनके एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरीके से एक बाउल। अब मैं लूँगी 1 कप फ्रेश मलाई, जो कि घर की मलाई है। इसको मैंने घर के दूध से निकाल के रखा हुआ है। अगर आप पास है तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो आप अमूल क्रीम जो आती है आप उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो सारी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं लूँगी 5 से 6 बड़े स्पून पिसी हुई शक्कर। आप मीठा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी 1/2 स्पून इलायची पाउडर, और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए विस्कर की हेल्प से अच्छे से मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अच्छे से जो हमने मलाई डाली उसको फेंट लेंगे इस तरीके से। तो हमारी यहाँ जो मलाई है बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने रसगुल्लों में कलर डाला था, वो भी कलर इनके ऊपर कितना आ चुका है, कितने अच्छे येल्लो ये हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ रस ले लिए इस तरीके से, और इन रसों को जो हमने मलाई रखी थी उनमें इस तरीके से डिप करके मैंने इनको निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी एक कंटेनर इस तरीके का, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। इन सभी रस को मैं इस तरीके से लगा लूँगी, इसमें पूरे में सेट कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे देखिए सभी को मैंने अच्छे से सेट कर लिया इस तरीके से मलाई में से निकाल के। बाकी का हमारा मिक्सचर बचा तो वो भी मैं इस तरीके से पूरे पे कोट कर देंगे, अच्छे से एक लेयर लगा देंगे। यहाँ पे देखिए पूरी थिक लेयर मैंने इस तरीके से लगा दी, और इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो ये सेट हो चुका है। अब जो हमने रसगुल्ले लिए था वो हम इनकी साइडों पे लगाते जाएंगे, जिससे कि इसका लुक भी बढ़ जाएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से मैं साइडों में रसगुल्ला लगा दूंगी 1/2 कप पीसेस में कट करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से सभी को लगा दिया। यहाँ पे देखिए मैंने काजू और बादाम को इस तरीके से क्रश कर लिया। इन काजू और बादाम को स्पून की हेल्प से अच्छे से रसगुल्लों की साइड में लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास रसगुल्ले ना हो तो आप इसके ऊपर केवल काजू बादाम या फिर जो भी आपका ड्राई फ्रूट है आप उनको इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे भी जो डेजर्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कंप्लीट डेजर्ट है वो बनके तैयार हो चुकी है, और देखिए देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे या फिर टोस्ट तो हम सभी के घरों में होते हैं, जिसको हम चाय के साथ बहुत शौक से खाते हैं, तो उसी से हम एक सिंपल सा ही डेजर्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ कितना अच्छा ये पीस निकल के तैयार हुआ है। तो ये यूनिक डेजर्ट झटपट बन के तैयार हो जाता है 5 मिनट में। आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। ये ख़राब नहीं होता, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी डेजर्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।